नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच चेन्नई में खेला जा रहा है। इस अहम मुकाबले में विराट कोहली ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टॉस अहम था और टीम इंडिया को शुरुआत भी अच्छी चाहिए थी, लेकिन रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी एक अच्छी शुरुआत देने में फिर नाकाम रही। जी हाँ, दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने अपना पहला विकेट बिना कोई स्कोर ऐड किए ही गंवा दिया था। शुभमन गिल 3 गेंदों का सामना कर वापस पवेलियन लौट गए। ओली स्टोन ने उन्हें वापस पवेलियन भेजा। टीम इंडिया संकट में नजर आ रही थी और लग रहा था भारी दबाव में रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा आ गए हैं, लेकिन इस दौरान रोहित शर्मा ने कुछ करारे शॉट्स लगाए जिसने हर किसी का दिल खुश कर दिया। जी हाँ, मैदान में दर्शकों को भी जाने की इजाजत मिली थी। इस दौरान स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर रोहित शर्मा ने कमाल का कवर ड्राइव लगाया। शॉट इतना शानदार था कि विराट कोहली भी इसकी तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए और स्टैंड से ही यस बॉयज कहते हुए नजर आए। विराट कोहली का रिएक्शन शानदार था और बीसीसीआई ने भी इसे ट्वीट किया और कहा कि कप्तान का रिएक्शन रोहित शर्मा के शानदार कवर ड्राइव पर। आपको बता दें, 10 ओवर के खेल के बाद टीम इंडिया ने 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। रोहित शर्मा शानदार लय में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने 32 गेंदों पर 30 रन बना लिए थे। इस दौरान उन्होंने 5 खूबसूरत चौके लगाए थे। इसके अलावा चेतेश्वर पुजारा अपने ही अंदाज में खेलते हुए नजर आए। 27 गेंदों पर वो भी 7 रन बनाकर खेल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 1 चौका लगाया है। दोनों के बीच पार्टनरशिप 54 गेंदों पर 37 रनों की हो चली है। आपको बता दें, टीम इंडिया को शुभमन गिल के रूप में पहला झटका पारी के दूसरे ओवर में ही लग गया था। आपको बता दें, सीरीज में इंग्लैंड की टीम 1-0 से आगे चल रही है। चेन्नई में खेले गए पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने 227 रनों से जीत हासिल की थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।